हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो लेक्चर ऑफ मेश एनालिसिस इन विच वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 3। नाउ व्हाट इज टाइप 3 प्रॉब्लम्स? दैट इज इफ ए करंट सोर्स इज प्रेजेंट विदाउट द पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि अगर किसी तरह का भी कोई भी पैसिव एलिमेंट किसी भी करंट सोर्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 1 किया मैंने, जिसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं था। दूसरे टाइप में करंट सोर्स के साथ अगर कोई भी पैसिव एलिमेंट पैरेलल में है तब क्या करेंगे, एंड दिस इज द प्रॉब्लम्स इन विच नो एनी पैसिव एलिमेंट इज कनेक्टेड इन द विद द करंट सोर्स इन पैरेलल। नाउ इसके लिए हम लोग दो रूल इस्तेमाल करेंगे। इफ द करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द पेरीमीटर ऑफ द मेस, यानी कि मेस के पेरीमीटर में कोई भी एक करंट सोर्स प्रेजेंट हो, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द मेस इक्वेशन। सिंपली इक्वेट दैट करंट सोर्स टू द करस्पॉन्डिंग मेस करंट। ये कहना चाह रहा है ये रूल कि अगर कोई भी मेस एनालिसिस के प्रॉब्लम में अगर किसी भी सर्किट के मेश में के पैरामीटर में करंट सोर्स हो, देन देयर इज नो एनी नीड टू राइट द केसीएल केवीएल इक्वेशन। सिंपली इक्वेट द मेश करंट टू द गिवन करंट सोर्स। ओके, दिस वन। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम इज 2। दिस इज 6 एम्पीयर 1 ओम 2 ओम आई वाई माइनस प्लस वी एक्स 3 ओम एड टू 5 एम्पीयर आई एक्स। हम लोग को जो फाइंड आउट करना है, फाइंड अननोन पैरामीटर बाय यूजिंग द मेश एनालिसिस। ओके, तो प्रॉब्लम 2 में आप देखो, ये दो मेश है यहाँ पे। इन दोनों मेश में, मेश 1 में हम लोग देख रहे हैं मेश 1 के पैरामीटर में 6 एम्पीयर करंट सोर्स है। ओके, तो इफ द करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द पैरामीटर ऑफ द मेश, देन देयर इज नो एनी नीड टू राइट द केवीएल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इससे इक्वेट कर लेंगे। I1 इधर ही जा रहा है, तो I1 इक्वल टू 6 एम्पीयर। क्लियर है? नाउ इन द मेश 2 आल्सो 5 एम्पीयर एग्जिस्ट इन द पेरिमीटर ऑफ मेश, तो अगेन देयर इज नो एनी नीड टू राइट द केवीएल। ओके, I2 इधर जा रहा है, इसके जस्ट उल्टा। ओके, इन दैट केस I2 इक्वल टू माइनस 5 एम्पीयर निकल गया। अब हम लोग को निकालना है आई वाई, तो आई वाई डायरेक्शन में आई वन है, तो आई वन इक्वल टू व्हाट आई वाई, दिस वन, ये आई वाई हो जाएगा। ओके, आई एक्स ऊपर, आई टू भी ऊपर, आई वन नीचे, तो आई एक्स इक्वल टू आई टू माइनस आई वन, देन माइनस 11 एम्पीयर। ओके, वी एक्स, ओके, आई टू इधर से फ्लो कर रहा है, आई टू माइनस प्लस वी एक्स, इधर से हम लोग चलेंगे, तो पहले माइनस पोलैरिटी मिला है उसके लिए माइनस वी एक्स, फिर करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो 4 है, तो आई टू हम लोग को पता है 5 माइनस 5 या माइनस लगा, तो वी एक्स इक्वल टू 20 वोल्ट। दिस इज द रूल 1। नाउ रूल 2, इफ द करंट सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मेसेस। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कोई मेस के पैरामीटर में करंट सोर्स प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे, अब हम लोग बात करें कोई भी दो मेश के बीच में अगर करंट सोर्स हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे देन सिंपली इक्वेट दैट करंट सोर्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मेश करंट। ओके, जैसे इन दोनों के बीच में एक करंट सोर्स है, ये दो मेश है, इन दो मेश के बीच में एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर, तो क्या करेंगे, इन दोनों का अलजेब्रिक सम से इस करंट को इक्वेट कर देंगे। तो देखो I1 नीचे जा रहा है और I2 भी नीचे जा रहा है, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू व्हाट, माइनस 3 हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन है। ओके, एंड फॉर्म द सुपर मेश बाय ओपन सर्किटेड द करंट सोर्स। इस करंट सोर्स को ओपन करके ये आपका हो गया सुपर मेश, दिस वन, एंड राइट द केवीएल फॉर सुपर मेश। तो पहला इक्वेशन आपका ये हो गया। अब ये आई वाई निकलना है, तो आई वाई के डायरेक्शन में आई टू है, आई एक्स के डायरेक्शन में आई वन है। ओके, केवीएल अप्लाई करेंगे, प्लस 30
प्लस टू आई वन, फिर आगे चलेंगे इसमें आई टू फ्लो कर रहा है, आई टू को उल्टा डायरेक्शन जा रहे हैं हम लोग, ओके तो माइनस फोर आई टू, फिर माइनस टू आई वाई इक्वल टू जीरो, तो आई वाई इक्वल टू आई टू है, ओके तो इसमें पुट कर दिए तो आई वन और आई टू के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा दिस वन, यहां से यहां, अब वन और टू से ओके आई वन आ गया आई टू आ गया, ओके अब आई वन इक्वल टू आई एक्स लिख दिए माइनस सिक्स, आई वाई इक्वल टू आई टू लिख दिए दिस वन, ओके दैट्स सो सिंपल प्रॉब्लम, ओके दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ मेश एनालिसिस प्रॉब्लम, ओके अब इससे ज्यादा मेश एनालिसिस में वेरिएशंस नहीं है। नाउ वी सी इन द थर्ड प्रॉब्लम, अब हमको इन जनरल देखेंगे मेश एनालिसिस में सबसे पहले करंट सोर्स को ढूंढेंगे, तो करंट सोर्स है बट इट इज अ डिपेंडेंट सोर्स, अब इस करंट सोर्स को देखेंगे इसके पैरेलल में कोई पैसिव एलिमेंट है या नहीं, नहीं है कोई पैसिव एलिमेंट, अब देखेंगे कि ये करंट सोर्स जो है उस मेश के पेरीमीटर में है या किसी दो मेश के बीच में है, तो ये फर्स्ट मेश के पेरीमीटर में है, देन रूल वन कहता है इफ एनी करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द पेरीमीटर ऑफ द गिवन मेश देन सिंपली इक्वेट द मेश करंट टू द गिवन करंट सोर्स एंड देयर इज नो एनी नीड टू राइट द केवीएल इक्वेशन, देन आई वन इक्वल टू टू वी वाई, ओके आई वन इक्वल टू टू वी वाई, अब वी वाई क्या है, वी वाई इस पे डिपेंड कर रहा है, तो वी वाई का इक्वेशन आई टू इधर से फ्लो कर रहा है तो प्लस वी वाई इक्वल टू फोर आई टू, क्लियर है, ये तो हमने बात कर ली, तो वी वाई से पुट कर लिए ये टाइप, अब मेश टू में कोई भी करंट सोर्स नहीं है, तो हम लोग केवीएल लगाना होगा, हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, माइनस फोर्टी प्लस फोर आई टू प्लस टू आई वन ऊपर और आई टू नीचे, तो आई टू माइनस आई वन इंटू टू माइनस सिक्सटी, इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे इस आई वन की जगह पे पुट कर दिए एट आई टू, इससे आ गया आई टू टू माइनस टेन एम्पियर, जब आई टू आ गया हमारा तो आई वन भी आ गया माइनस एटी एम्पियर, इससे फिर वी वाई भी आ जाएगा, इससे वी एक्स हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, ओके दिस वन प्लस वी एक्स इक्वल टू टू आई टू माइनस दिस वन, देन दिस इज द प्रॉब्लम, फिर भी अगर आपको जो है कोई भी मेश एनालिसिस के प्रॉब्लम में किसी तरह का भी दिक्कत हो, किसी तरह का भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, देन कमेंट्स में विद द गिवन सर्किट, ओके आई रियली कैन सॉल्व इट फॉर जस्ट ऑनली फॉर यू, ओके थैंक यू।